आपका कंटेनर रेडी है, 10 पेटी भिजवाइए और अपना माल ले जाइए। संदेश नहीं कर रहा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है क्राइम की एक और नई दुनिया में। आप सोच रहे होंगे कि जिस बंदे का मर्डर हुआ वो कौन था और ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, क्या चाहता था, सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे। तो इसके लिए हमको चलना होगा कुछ दिन पहले। तो चलते हैं कुछ दिन पहले। हेलो, यहाँ मर्डर हो गया, जल्दी आइए। बराबर। अरे तो यहाँ पर मर्डर हुआ है। नहीं अबे मर्डर थोड़ी ना हुआ है, यहाँ पे शादी हुई है। अबे दिख नहीं रहा, मजाक चल रहा है यहाँ पे है? क्या यार वापस सर है यार, ऐसी बात कर रहे हो, चूदू वूदू। इन्वेस्टिगेशन चालू करो, चलो ग्लव्स वगैरह निकालो। आजा ओ, ये तुम्हारी है? ये लूंगा मैं। नहीं ये 250 ग्राम वाली तुम्हारी है। 250 ग्राम वाली तेरी है, 1 किलो वाली मेरी है। चलो ढूंढना, चल मैं आलू निकाल दूंगा यार, पोस्ट कम होने से यार। ओ तो देखा जा रहा है, मर्डर ने पूरा पी के मर्डर किया है। ये कौन सा वाला फल है? ओ भाई ये तो आप उससे भी अभी पीता है, वो भी नमक चाट के साला। ज्यादा पॉलिथिन निकाले से फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ेगा। फॉरेंसिक लैब भेजने की क्या जरूरत है, मुझे चटवा दो, मैं दे दूंगा। तो लो चाटो। नहीं फॉरेंसिक लैब ही भेजेंगे इसे, निकालो पॉलिथिन। अबे यार ये डॉक्टर के खूब मजे आ जाते हैं। ज्यादा थोड़ी और दूर ढूंढो, यहाँ पर अब जो मिलना था वो मिल गया। आगे पीछे देखो, अगले इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दे ले, यहाँ पर मर्डर हुआ है। सर एक मिनट इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, इस लास्ट को फॉरेंसिक लैब भेजो। ओके सर आप चलिए। अब साले इस लास्ट को कैसे खींच के ले जा रहा है? कैसे क्या, पैर से खींच के ले जा रहा हूँ। उठा कर ले या। मर तो गया है ये साला। मुंह बंद, उठा कर ले या। चल चल इसे उठा। चल यस सर, इसे टॉर्च देना। यस सर। अबे क्या बता, मैंने किया था, मैंने किया। अरे सब ये
बेटा सही मुझे बता दे, नहीं मेरे पास और भी है मेरे बेटा। कुछ नहीं किया सर। सभी तो बोलता है, नहीं बताया तो मतलब ले गया। ओके सर, चल सर, चल बे ऊपर मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो नशे में था। फिर भी कुछ याद हो बुंदा बुंदा सा? सब नशे में, मुझे इस चूती जैसी एक इंसान की शक्ल दिखाई दे रही थी। मारेगा सर मुझे हो गया तो उसका याद भी अच्छे से, लेकिन एक दो दिन में सोच कर बता दूंगा। तो पुलिस वाले शख्स को पकड़ के लाए, जो कि पुलिस वालों को लग रहा था सारा शक इस पर जा रहा था कि यही मुजरिम है, और इस मुजरिम को काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी की इसके साथ। तो क्या ये सच है कि असली मुजरिम वही है, असली कातिल वही है, या उसका कातिल अभी भी जी रहा है? वो तो आपको आगे पता चलेगा, कहानी देखते रहिए। क्या हुआ क्या रिपोर्ट आई है उससे? इस चाकू पे जिंक सल्फेट का पेस्ट लगाया गया है, और खूनी जो है उसने बड़ी ही चालाकी से इस पर पेस्ट लगाया है, उसके बाद उसका मर्डर किया है, जिसने शरीर में जाने के बाद उसकी आधे घंटे के अंदर मौत हो जाती है। मैं आपको ये देता हूँ इसकी रिपोर्ट, इसमें सब कुछ मेंशन है, आप इसमें देख सकते हैं। अभी सारे चोड़े रिपोर्ट सर बन गई। ओके ये ये सर, बस ये थोड़ा सा सर चेंजिंग से लग रहा है मुझे, इसके चेहरे पे उंगली है, पहचान में नहीं आएगा। हाँ यही मुझे लग रहा है, एक मिनट सर रुकिए। ये देखिए सर, मेरे पास उसका फोटो वाला इंसान था, ये थोड़ा इसके में उंगली आ गई। अब बस साले तेरे पास फोटो था तो इसके क्यों बनवाया? ले ये फोटो में से देख के बना, जरा बना। सर बन गई दोबारा ना। अरे ये तो जादव है साला, जादव धोखेबाज, मुझे तो उस पर पहले से ही सकता। अभी देख, मुझे नहीं पता था ये साला जादव इसमें शामिल हो सकता है, जब मेरी डिपार्टमेंट के लोग इसमें शामिल हो तो मैं क्या करूँ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे याद है किन किन लोगों ने क्या क्या बात कही थी। तब मैं समझ नहीं पाया था, मैं चूतिया था, छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने कहा था ना यही है मुजरिम, वगैरह पता चला उसको क्या हुआ? यही है ना, दो डंडा डंडा दो मुझे, मैं बच भी रहा है साले। और सर क्या हुआ सर, मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे पता चल गया तूने मुझे दिया है सर, मैं क्यों 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 जा
है, वर्दी उतार ले। मर्डर क्यों किया तूने ज्यादा? मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। 10 लाख के लिए तूने तो जैसा जिसका पता नहीं होता वही होता है, जो हम सोच भी नहीं सकते वही कातिल निकला। पुलिस वाले का ही असिस्टेंट हवलदार कातिल निकला, वो भी 10 लाख रुपए के चक्कर में। 10 लाख रुपए के चक्कर में उसने एक बिजनेसमैन का कत्ल कर दिया। तो आप भी सतर्क रहें, सतर्क तो है खैर, सतर्क रहें, सावधान रहें। कोई पता नहीं, मुजरिम आपके बगल वाला भी हो सकता है, हो सकता है ये कैमरा वैन भी मुजरिम हो जो ये वीडियो बना रहा है। ऐसे मामलों में भलाई इसी में कि कदमों को पीछे कर लिया जाए और सावधानी से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया जाए, क्योंकि आपके आस पड़ोस वाले भी कातिल हो सकते हैं, मुजरिम बन सकते हैं, वो भी छोटा बच्चा जो फ्लैश दिखा रहा है या कैमरामैन, वो भी कातिल हो सकता है।